कि सातवें गोस्वामी भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी उनको सातवां गोस्वामी कहा गया। कि सबसे पहला ये जो है ये घटना है कि किसी गृहस्थ को भी जो है गोस्वामी, छह गोस्वामियों के साथ जो है उनकी भी गणना की गई सप्तम गोस्वामी गृहस्थ होते हुए भी। इसका कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो खोजा उन्होंने, तो ये बहुत बड़ा कार्य था। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको भेजा इस कार्य के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, ये भी प्रभु ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने सपना दिया कि तुम ही इस कार्य को करो। भगवान चैतन्य इनको श्रेय देना चाहते थे, और कोई गृहस्थ के रूप में भी जो है वो सन्यासी की तरह उसका भी सम्मान हो, तो ये भी जो है इन्होंने मतलब ऐसा कार्य किया। दूसरा, संकीर्तन के एकमात्र पिता जो कहे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, लेकिन इनको भी कहा जाता है संकीर्तन के पिता। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये मुझे समझ में आया कि एक संकीर्तन तो है हरिनाम संकीर्तन, जो कि सड़कों में मिल करके जो है लोग करते हैं, तो वो संकीर्तन है। तो चैतन्य और नित्यानंद ये एकमात्र पिता हैं। लेकिन दूसरा संकीर्तन है किताबों को लिखना, किताबों को छापना। तो ये संकीर्तन ये जो है उस समय शुरू हुआ भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा जब टेक्नोलॉजी आई छपाई की। चैतन्य महाप्रभु के समय में छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किताब में लिखना छापना ये तो संभव था ही नहीं। तो संकीर्तन एकमात्र इसी रूप में था कि जो है हरि नाम का जो है प्रचार किया जाए, और जो है कीर्तन सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से कीर्तन किया जाए। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये संकीर्तन और भी बड़ा माना जाता है, बृहद मृदंग माना जाता है। कि जो मृदंग होता है आपका, तो इसमें आवाज़ 20 मीटर तक ही जाती है, और ये जो है बृहद मृदंग है ये हजारों किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो संकीर्तन का जो है ये संकीर्तन जो किताबों की को लिखना और छपाना और इसको जो है वितरण करना, तो ये जो कार्य है ये इसके एकमात्र पिता भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो हम उसको भी संकीर्तन बोलते हैं, संकीर्तन डिवोटी। कोई भक्त जो है पुस्तकें वितरण करता है उसको हम बोलते हैं संकीर्तन डिवोटी। तो संकीर्तन दो रूपों में है। तो चैतन्य महाप्रभु एकमात्र पिता है उस संकीर्तन के, जो हरिनाम संकीर्तन था। और दूसरा जो संकीर्तन के जो एकमात्र पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो कौन सा संकीर्तन है? बृहद मृदंग संकीर्तन, जो जिसमें किताबों को लिखा जाता है और छापा जाता है। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले वही मतलब हमारे आचार्य हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग, जितने भी जो है टेक्नोलॉजी है आजकल बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो आचार्य हैं हमेशा टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। हम लोग ऐसे जो है लकीर के फकीर नहीं कि इनमें हमारे पहले के आचार्यों ने किताबें नहीं लिखी, किताबें नहीं छापी, तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्यों ना उसका प्रयोग करें। हवाई जहाज़ का भी प्रयोग करते हैं हमारे आचार्य लोग, और जो है मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में, और भगवान का प्रचार इस समय और बढ़ता जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर आदर भाव महाभ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।